जब राजनीति में और शासन व्यवस्था में अराजकता हावी हो जाती है तो योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री पैदा होते हैं जो सत्ता को संभालते हैं। एक महिला का सम्मान क्या होता है ये उनको मालूम नहीं। प्रियंका गांधी को किसानों की आवाज़ को उठाने के जुल्म में उनको कैद कर दिया जाता है ऐसे कमरे में जहां धूल और मिट्टी थी। प्रियंका गांधी ने उनसे कहा नहीं कि मुझे एक कोई प्रोटोकॉल है उसकी सफाई कर। उन्होंने अपने स्वयं से हाथ से अपने काम को साफ किया, जो महात्मा गांधी का संदेश था स्वावलंबन का, अपनी सफाई कमरे की खुद की। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो झाड़ू लगाने ही लायक महिला है, उनको शायद ये नहीं मालूम उनकी माता भी इसी लायक थी। घर में झाड़ू ही लगा के वो बड़े हुए हैं, उनकी माँ ने झाड़ू लगा के जब छोटे से थे तो गोद में पहले सफाई करती तब गोद में लेके करा। ये करोड़ों महिलाओं का, सफाई कर्मियों का अपमान है महिलाओं का कि जिनके बारे में इन्होंने योगी आदित्यनाथ कहा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब झाड़ू ही लगाएंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लगाएंगे, किसानों पे अत्याचार के खिलाफ इनके ऐसी झाड़ू लगाएंगे, कांग्रेस का तिरंगा और हाथ का पंजा लेके कि इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के जाके सात समुंदर दूर जाके गिरेगी जाके। योगी बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हाँ नहीं रहता, नहीं जाएगा हिंदुस्तान।